बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक होने वाली है मुंबई में। दो दिनों तक ये मीटिंग चलने वाली है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग। बैठक में 26 पार्टियों के नेता इकट्ठा होंगे। 26 पार्टियों के 63 नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करने का प्लान इस बैठक में बनाया जाएगा। मुंबई में INDIA की आज तीसरी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान लोगों और कन्वीनर तय हो सकता है। इसके अलावा सीट शेयरिंग पर भी चर्चा संभव है। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA की तीसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। मुंबई में हयात होटल में इंडिया की यह बैठक होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। दो दिन तक यह मीटिंग चलेगी। तो मुंबई में हयात होटल में इंडिया गठबंधन की यह बड़ी बैठक होने वाली है। 1 सितंबर को कन्वीनर के नाम की घोषणा हो सकती है। रेस में नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे बताए जा रहे हैं। 1 सितंबर की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी गठबंधन की ओर से। और आज उद्धव की पार्टी की तरफ से डिनर का भी आयोजन किया गया है। तो करीब 63 नेता इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की यह बैठक होने वाली है। पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले पटना में एक मीटिंग हुई और उसके बाद बेंगलुरु में, अब मुंबई में बैठक होने वाली है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक आज होगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम उछाला है। तो वहीं लखनऊ में सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने अखिलेश यादव को पीएम उम्मीदवार कह दिया। इधर शिवसेना उद्धव गुट की ओर से उद्धव ठाकरे का नाम पीएम पद की रेस में बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन की हालत ठीक वैसी है जैसी एक अनार 100 बीमार, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक कुर्सी के कई दावेदार हैं। इन सब खबरों के बीच एक खबर यह भी है कि मायावती ने विपक्ष के इंडिया में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया है। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि तीसरी बैठक में विपक्ष के इंडिया की ओर से क्या क्या फाइनल होगा। इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी मैं जो जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकारी हमारी इस गठबंधन में शामिल है। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी मैं जो जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकारी हमारी इस गठबंधन में शामिल है। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी मैं जो जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकारी हमारी इस गठबंधन में शामिल है। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे, कल और परसों, मुझे अभी अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे, महायुति की बैठक करो। लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना, जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपने राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है, और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है। दीदी दीदी खेला हो बे मुंबई लोकसभा में? होगा होगा, खेला होगा, खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएंगे। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं।
They are their leaders. They should be surrounding by their leaders. When I am asked, I will naturally want my national president to be in a position of government, but governance. But that does not bring about any question mark on the India alliance, because they are mature leaders. They work together, and we are going to work on issues. So it's everybody should suggest who they want, and a consensus will be formed on issues mainly. The prime minister's face, we have many prime minister's faces. Somebody will come up, and he will or she will पोजिशन। गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है उस तरफ मायावती जी जा रही हैं, उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही हैं मायावती जी। इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। मैं कहना चाहना श्रोमणी अकाली दल को बहुत ऑप्शंस है अगले पार्लीमेंट इलेक्शन वास्ते। असी उस अलायंस विच जावांगे जिहड़ा असीं सोचांगे जिहदा पंजाब नूं सब तों वध फायदा होए।